ये देखो जो बात इन्होंने कही के सब सफर करने वाले भी आप ही हैं, कातिल भी आप ही लोगों में से हैं, तो फिर इस मोड पे क्यों है डिनाइल के हमेशा उसको एक्सेप्ट करके आवाज ही रिकॉर्ड होता है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने भी बहुत अच्छी बात और सबके बातें उठी जा रही है कि वक्त की जरूरत। आज अफसोस की बात है कि आज आपने देखा होगा आपको जर्मनी के अंदर अभी जिस तरह से ट्रक के साथ उसने जिस तरह से जिस इनोसेंट लोगों को एक के ऊपर ट्रक चढ़ा के उनको बेदर्दी से मार दिया गया, पता चला कि वो पाकिस्तानी था, ठीक है वो जो भी था, बहरहाल इंसानियत का खतर हो रहा है। हमें इसको इसको हमें इमामों को बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी इस बात से हम आप इमाम हैं, हम भी क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सर मेरा सवाल ये है, हजार लोग क्यों ना करें। सर मेरा सवाल ये है कि जनाब जब एक आतंकवादी मरता है इस देश के लाखों लोग अपनी फेसबुक साली सैमसंग है उसकी फोटो लगा देते हैं, 7,000 लोग इस देश में नारा लगाया जाता है कि अगर से अफसर निकलेगा तो मैं या तो मार देगा तुझे या तो मुझे इस देश में से। तो ऐसे में आप एक बार बीच में कहना चाहता हूँ बात आपकी सही है, सारे लोग ही खराब है ऐसा नहीं है, सारे मुसलमान पूरी दुनिया का आतंकवादी है, क्या बेटा ठीक है उसके लिए हमें मिलकर क्या हमारे लोगों को इसके लिए क्या बेटा राजी प्रोग्राम शुरू किए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को काफी का वायदा नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को जिहाद का नहीं मालूम है, तो इस तरह की जो बातें हैं उन लोगों को मालूम होगी। जिहाद का एक फायदा इन्होंने आज बताई लोगों जिहाद का एक फायदा जाकिर नाइक परसों से दिख रहे हैं, जाकिर नाइक के मामले में रुको एक मिनट बेटा बहुत परेशान है। इस्लाम के अंदर कोई भी व्यक्तित्व कोई भी शख्सियत ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जो भी कहते हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए। हमारे यहाँ जब तक कुरान से और जो बात आई सही हदीस से तो कुरान से बिल्कुल मालूम आ रहे हैं एक मौलाना लोगों को भी होनी चाहिए हक नहीं।
Thank you.